हाय एवरीवन, दिस इज मी हबीबा शबीर। आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक डेटा टाइप है, एक टाइप ऑफ वेरिएबल है विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, जो दूसरे डेटा टाइप के एड्रेस को होल्ड करता है। जैसे हमारे पास इंटीजर फ्लोट होता है, वैसे ही पॉइंटर भी होगा, जो क्या करेगा, पॉइंटर जो स्टोर करेगा दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को। हम इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले तो हम हेडर फाइल लिखते हैं, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, इंट मेन। अब मैं आपको इधर बताती हूँ कि पॉइंटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ। व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर क्या होता है? डेटा टाइप विच होल्ड द एड्रेस, डेटा टाइप विच होल्ड the address of other variable. For example, मेरे पास एक integer variable है a, integer data type का variable है a, उसको value initialize करवाती हूँ 3, semicolon, उसके बाद मैं लिखती हूँ int star b is equal to ampersand a, इसके बाद क्या लिखेंगे, सेमी कॉलन। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, b is equal to ampersand a, उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉरी ampersand नॉट डॉलर साइन, ampersand a, उसके बाद सेमी कॉलन। अब मैंने इधर क्या किया है कि एक इंट स्टार टाइप का वेरिएबल बना दिया है, एक ऐसा वेरिएबल बना दिया है जो कि होल्ड करेगा वेरिएबल ए के एड्रेस को, एक ऐसा वेरिएबल पॉइंटर बना दिया जो इंटीजर पॉइंट पॉइंट करता है, और इसका नाम क्या है, बी रख दिया है, और जो क्या करेगा, वेरिएबल ए के एड्रेस को स्टोर करेगा। अब ये जो हमारे पास एम्परसेंट ए है, ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है एम्परसेंट ए, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और ये जो हमारे पास स्टार्ट बी होता है, ये है डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। अब जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है वो बेसिकली रैम में स्टोर होता है। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया, तो वो सबसे पहले प्रोग्राम जो है वो रन होगा किस में, रैम में रन होगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में जो भी हमारी मेमोरी होती है 2 GB, 8 GB, 4 GB, इसमें कॉपी होता है जो मेरा प्रोग्राम है, जो भी मैं प्रोग्राम लिखूँगी वो सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में कॉपी होगा, और इस कॉपी होने के बाद जो वेरिएबल है इसे रैम में जगह दी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी होटल में जाना है तो आपको जगह दी जाती है, आपको रूम नंबर होता है कि आपने रूम नंबर 202 में चले जाओ, या रूम नंबर 304 में चले जाओ, या रूम नंबर 101 में चले जाए। जो रूम असाइन होते हैं आपको, वो आपकी जगह होती है रहने की। इसी तरह ये जो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, इनको भी एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जो स्टोर करते हैं, एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, और इस मेमोरी एड्रेस में जाके वो स्टोर हो जाते हैं। और वो जो एड्रेस होता है वो हमें कुछ इस तरह दिखता है। अब मैं क्या करती हूँ, इधर इसके बाद सी आउट बी करती हूँ, एंडर। अब देखते हैं इसके बाद, इसको रन करते हैं तो क्या आती है हमारी आउटपुट। इसको सेव कर लेते हैं।
तो ये देखिए, ये मेरे पास एड्रेस आ गया। प्रोग्राम जैसे ही रन हुआ उसने एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, और ये जो एड्रेस है वो मेमोरी का असली एड्रेस है, और ये एड्रेस असाइन किसको हुआ है, ए को। ए को ये एड्रेस असाइन हुआ, ठीक है। और ए किसमें स्टोर है, एक एक एड्रेस किसने स्टोर किया हुआ है, बी ने। अब बी क्या है, मेरा एक पॉइंटर है जो कि स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। अगर मैं इसको लिखती हूँ सीआउट, द एड्रेस ए इज, एम्परसेंड ए, उसके बाद एंडल, सिमिलरली सी आउट द एड्रेस ऑफ ए इज बी, फिर क्या एंड पे एंडल लिखते हैं और सेमी कॉलन। एम्परसेंड ए का मतलब है एड्रेस ऑफ ए, और बी तो मैंने स्पेशल एक वेरिएबल बनाया है जो क्या कर रहा है एड्रेस, जिस पे जो जो कि एड्रेस कंटेन करता है, और इसमें मैंने ए के एड्रेस को रख दिया। अब ये जो एड्रेस ऑफ ए है ये सेम ही आने चाहिए दोनों के, ठीक है। क्योंकि इधर देखें, एम्परसेंड ए बी ने क्या स्टोर किया हुआ है, ए का एड्रेस, ठीक है, और ए का एड्रेस किस में है, बी में, ठीक है। तो इसलिए एड्रेस ऑफ ए दोनों के सेम आएंगे। अब मैं जब इसको रन करती हूँ तो ये देखें, एड्रेस ऑफ ए एम्परसेंड ए किया तो एड्रेस सेम आ गया जो हमारे पास बी का एड्रेस था ए का, और दी एड्रेस ऑफ ए इज बी किया तो सेम एड्रेस आ गया दोनों का। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी होटल में जाए रहने के लिए तो आपका रूम नंबर 13 मिलता है, ठीक है, और आप पूछते हैं कि रूम नंबर 13 किधर है, या आप ये पूछते हैं कि इस रूम नंबर वाला सेक्शन किधर है, तो इन दोनों सवाल का जवाब तो सेम ही हुआ है। इसी तरह एम्परसेंट ए और बी, इसी तरह एम्परसेंट ए और बी जिस पर एड्रेस ए है वो भी एक ही चीज़ प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ कि मुझे वैल्यू बताओ इस एड्रेस की, कि इस एड्रेस में कौन सी वैल्यू स्टोर है, कि ये जो मेरे पास एड्रेस है ए का, इस एड्रेस में कौन सी वैल्यू स्टोर है, अब उसके लिए मैं क्या करूँगी, स्टार, ये क्या है, डी रेफरेंस ऑपरेटर, अब मैं करती हूँ सी आउट डी वैल्यू एट एड्रेस बी इज, स्टार बी और एडल कर, अब जब मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब बी की वैल्यू क्या है, ये इधर ए 3, ठीक है, जो कि ए की वैल्यू, स्टार बी करोगी तो इसका मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ बी, जब मैंने स्टार बी किया तो इसका क्या मतलब है कि वैल्यू ऑफ बी, और रन करके क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया, क्योंकि ये वैल्यू ए की वैल्यू थी, और जो ए की वैल्यू होगी वही हमारे पास बी की वैल्यू होगी। अगर आप स्टार बी, स्टार के बाद कोई भी पॉइंटर या वेरिएबल की वैल्यू रख देते हैं तो वो आपके बताएगा कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर टू पॉइंटर थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले इसमें हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट देखते हैं।
पॉइंट और पॉइंट इंट, अगर मैं लिखती हूँ इंट स्टार स्टार सी इज इक्वल टू एम्परसेंड बी, अब ये जो बी है वो किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस को स्टोर करता है, अब इस बी का भी कोई एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए हमने ये लिखा है इंट स्टार स्टार सी इज इक्वल टू एम्परसेंड बी, ये क्या करेगा एक पॉइंटर का वेरिएबल बन जाएगा और इस ऐसा पॉइंटर जो कि पॉइंटर के भी एड्रेस को स्टोर करता है। अब मैं इधर करती हूँ सी आउट द एड्रेस ऑफ ए इज ऑफ बी इज एम्परसेंट बी एंडल, उसके बाद सी आउट द एड्रेस ऑफ बी इज सी सी आउट द एड्रेस द वैल्यू एट एड्रेस वैल्यू एट एड्रेस सी इज स्टार सी, उसके बाद एडल कर देंगे सिमिलरली सी ओ दी वैल्यू एट एड्रेस वैल्यू एट वैल्यू एट सी, अब इसको ब्रैकेट को बंद कर देती हूँ, इज और एंटर कर देते स्टार स्टार सी और एंटर किया। अब इसका क्या मतलब है, ये देखिए जब मैं इसको रन करती हूँ तो क्या आती है आउटपुट वो देखते हैं, जब मैंने पॉइंटर अब मैं पॉइंटर टू पॉइंटर कर रही हूँ इंट स्टार स्टार सी इज इक्वल टू एम्परसेंट बी, ये जो बी है वो किसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है, ए के एड्रेस को, अब इस बी का भी कोई एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ये लिखा था इंट स्टार स्टार सी इज इक्वल टू एम्परसेंट बी, ये पॉइंटर का वेरिएबल बन जाएगा, ये जो सी है ये पॉइंटर का वेरिएबल बन जाएगा और ऐसा पॉइंटर जो कि पॉइंटर के भी पॉइंटर को स्टोर कर रहा है, जो बेसिकली बी क्या था मेरे पास इसका पॉइंटर था ए का पॉइंटर बना था और इसने ए के एड्रेस को स्टोर किया, अब ए इस ये जो बी है इसके एड्रेस को कौन स्टोर कर रहा है सी, इसलिए जो सी है ऐसा पॉइंटर है जो कि पॉइंटर के भी पॉइंट एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक। अब ये जब मैंने द एड्रेस ऑफ बी इज एम्परसेंट बी किया है द एड्रेस ऑफ बी इज सी किया है तो मेरे पास इन दोनों की वैल्यू जो है एड्रेस सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो बी का एड्रेस है वही सी में स्टोर है और सी में क्या पड़ा हुआ बी का एड्रेस। उसके बाद जब मैंने स्टार सी को मैंने डी रेफरेंस किया तो इस पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी एम्परसेंट बी की वो वैल्यू आ गई जो कि बी थी, अब इसको दोबारा मैंने डी स्टार स्टार सी किया डी रेफरेंस ऑपरेटर किया, एक बार किया तो बी मिला और जब दूसरी बार किया तो ए की वैल्यू मिल गई, ठीक है, इधर स्टार स्टार सी किया तो एक बार करने से हमें बी की वैल्यू मिल गई और जब दोबारा एम्परसेंट डी रेफरेंस ऑपरेटर करूँगी सी तो मेरे पास ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये देखें ये दी वैल्यू एट एड्रेस सी इज स्टार सी है, इसमें क्या है कि स्टार सी जब मैंने एक दफ़ा किया डी रेफरेंस ऑपरेटर सी, क्योंकि जिसके साथ ये ऑपरेटर लगा होगा उसको क्या है उस पर उस वेरिएबल की वैल्यू जो है एड्रेस की वैल्यू जो है वो स्टोर होती है, ठीक है, जब मैंने स्टार सी किया तो इससे इसमें मुझे क्या मिला है ये देखिए आउटपुट में,
ये 0x6FFE04 ये किसका एड्रेस था, ए का एड्रेस, वो मिल गया क्योंकि सी में क्या पड़ा हुआ है बी, और बी भी किसका एड्रेस स्टोर है ए का, इसलिए वो इधर मुझे ए का एड्रेस मिल जाएगा। अब जब मैं दोबारा डी रेफरेंस ऑपरेटर करूँगी तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्या थी, 3। आई होप आपको पॉइंटर टू पॉइंटर की भी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अरेज क्या होता है। एक दफा इसको प्रोवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या किया है हमने, सबसे पहले पॉइंटर पढ़ा। पॉइंटर क्या होता है कि ऐसा डाटा टाइप जो कि दूसरे वेरिएबल के भी एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया, उसको इनिशियलाइज करवाई 3 वैल्यूज। उसके बाद इंट स्टार बी इज इक्वल टू एम्परसेंट ए। इसका क्या मतलब है कि मैंने एक ऐसा वेरिएबल इंट स्टार बी एम्परसेंट, एक ऐसा वेरिएबल बना दिया जो कि क्या करेगा, वेरिएबल ए के एड्रेस को स्टोर किया है कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू एम्परसेंट ए। जब मैंने सी आउट बी किया तो मुझे क्या मिला, ए का एड्रेस। उसके बाद अब मैं चाहती हूँ ये जो मेरे पास एम्परसेंट ए है इसका क्या मतलब है कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और ये जो स्टार बी है इसका क्या मतलब है, डी रेफरेंस ऑपरेटर। अब मैं चाहती हूँ कि इस एड्रेस पे जो मेरे पास बी ए का एड्रेस है उस पर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है वो देखना चाहती हूँ, वो डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। तो जब मैं इसको इस तरह करूँगी, द वैल्यू एट एड्रेस बी, स्टार बी के साथ हम जो भी लगा देंगे, इसका क्या मतलब है कि एक पॉइंटर है जो क्या कर रहा है, एड्रेस ए का स्टोर कर रहा है स्टार बी के साथ, ठीक है। और इसमें क्या, स्टार बी करूँगी तो मुझे उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके बाद जब मैंने इसको डिस्प्ले किया तो मेरे पास जो आउटपुट में क्या आई, सी आउट करवाया तो आउटपुट में क्या आया, 3 आया। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर में ये होता है कि ये जो बी है वो एड्रेस किसका स्टोर कर रहा है, ए का। अब इस ए का भी कोई एड्रेस को स्टोर कर सकता है, वो कौन, सी, सी वेरिएबल। अब जब मैंने इसको इंट स्टार स्टार सी इज इक्वल टू एम्परसेंट ए लिखा तो उसके बाद दी एड्रेस ऑफ बी, दी एड्रेस ऑफ बी इज एम्परसेंट बी और सी के साथ लिखा, तो उन दोनों का जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो सेम आनी चाहिए, जिस तरह ऊपर ये ए की एम्परसेंट ए के साथ और बी ए का बी के साथ जो इन दोनों का एड्रेस सेम आया था, सिमिलरली इसका भी एड्रेस सेम आना चाहिए। इधर तो ए ने ए का डाटा, इस ए का एड्रेस किस में स्टोर था, बी का, और इधर भी, इधर क्या है, बी का अब एड्रेस किस में स्टोर है, सी का, ठीक है। उसके बाद जब मैं दी वैल्यू एट एड्रेस सी इज डी रेफरेंस ऑपरेटर सी करूँगी, ये स्टार का मतलब डी रेफरेंस ऑपरेटर, जब भी किसी वेरिएबल के साथ डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो हमें उस पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो मिल जाएगी। अब इसमें किसका एड्रेस स्टोर था, बी का, बी का और ए का, ए का हमें एड्रेस मिला था आउटपुट में क्योंकि बी में क्या स्टोर है, ए का एड्रेस, तो और ए बी का एड्रेस किसने स्टोर किया हुआ है, सी ने, तो इसलिए हमें इधर सी का एड्रेस मिल जाए, ए का एड्रेस मिल जाएगा। उसके बाद जब हमने किया दी वैल्यू एट एड्रेस वैल्यू एट सीज, 2 बार डी रेफरेंस ऑपरेटर सी के साथ किया तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी ए की। आई होप आपको पॉइंटर की समझ आ जाएगी, आगे होगी। अब हम पढ़ते हैं अरेज। अरेज क्या होता है, एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। यानी आप जो प्रोग्राम लिखते हैं तो जो भी वेरिएबल सारे स्टोर होते हैं वो एक मेमोरी में होते हैं स्टोर, ठीक है। मेमोरी कुछ इस तरह कॉन्टिजुअस ब्लॉक में होती है, जैसे कि ये देखें ये क्या है हमारे पास, बेसिकली मेमोरी है। जो इंडेक्स होता है वो हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होता है और जितनी उसकी लेंथ होती है उससे कम होता है, और इसके अंदर ये जो क्या है एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स स्टोर किए हुए हैं सेल्स में, ये मेमोरी के सेल्स है और इसमें हमने एलिमेंट्स को स्टोर। अब फॉर एग्जांपल मैं 2000 स्टूडेंट के डाटा को, स्टूडेंट के मार्क्स को डाटा स्टोर करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं सिंपल वेरिएबल इसके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा कि मैं 2000 स्टूडेंट्स के वेरिएबल्स को बनाऊँगी
ठीक है, और उसके बाद मार्क्स को स्टोर करूँगी। तो इस तरह मेरे पास 2000 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कर लूँगी, 2000 लाइंस हो जाएंगे जो मेरे प्रोग्राम में सिर्फ मार्क्स को स्टोर करने के लिए। और जब मैं उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग भी करूँगी अपने प्रोग्राम में, तो कितना बड़ा हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं नहीं चाहती कि 2000 वेरिएबल्स बनाऊँ, तो डेफिनेटली एक अच्छा अल्टरनेट इसके चाहती हूँ। तो वो अच्छा अल्टरनेट क्या है मेरे पास, अरे। जो काम मैं 2000 स्टूडेंट में करने वाली थी वो काम मैंने अब एक वेरिएबल में कर दिया। जैसे कि अब मैं लिखती हूँ इंट मार्क्स 2000 इज इक्वल टू, उसको वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी। इसका हम एक प्रोग्राम देखते हैं। एज यूजल हेडर फाइल लिखेंगे जो कि हर प्रोग्राम के लिए जरूरी है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन इंट मार्क्स फॉर, इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करवा दूंगी 23, 45, 56 एंड 89। और इसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी कॉलम। इधर क्या किया मैंने, एक इंटीजर डाटा टाइप की अरे बनाई, उसको उसका नाम रखा मार्क्स, और इसमें मैं 4 स्टूडेंट की डाटा को स्टोर करना चाहती हूँ। और ये क्या है, 4 लेंथ है, ठीक है, अरे की। अब ये देखें इधर मेरे पास 4 वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा दी। उसके बाद मैं उसको इंडेक्स असाइन करूँगी, करूँगी मार्क्स 0 इज इक्वल टू 23 मार्क्स 1 इज इक्वल टू 45 मार्क्स 2 इज इक्वल टू 56 मार्क्स 3 इज इक्वल टू 89। अब इसके बाद मैं सेव करवा दूँगी, इनको प्रिंट करवाऊंगी। इधर तो मैंने इंडेक्सेस को इंडेक्सेस इनिशियलाइज करवाए हैं, जैसे कि 0 इंडेक्स पे क्या है 23, 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 45, 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 56, और 3rd पे क्या है 89। उसके बाद सेव, इनको प्रिंट करवा दूँगी, मार्क्स 0 मार्क्स एंडल। योर मार्क्स मार्क्स 1 एंडल योर मार्क्स 2 एंड सी आउट मार्क्स 3। इसके बाद रिटर्न 0 कर देंगे। और ब्रैकेट क्लोज, इसको सेव कर दूँ। तो ये देखें मेरे पास अरेज आई, 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 23, 1 इंडेक्स पे 45, और 2 इंडेक्स पे क्या
क्या प्रीवी है 56 और थर्ड इंडेक्स भी क्या है 89। तो एक तो ये तरीका था कि हम इस तरह भी अरेज को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, और सेकंड मेथड ये है, अगर तो इधर मैं लिखती हूँ इंट मार्क्स मैथ मार्क्स 4, तो वैल्यू इनिशियलाइज करवाए बगैर भी हम इसको लिख सकते हैं, अरेज बना सकते हैं। उसके बाद मैं लिख दूंगी मैथ मार्क्स 0 इज इक्वल टू 227 8, कोई सी भी वैल्यू इसको दे दूंगी। उसके बाद मैथ मार्क्स 1 इज इक्वल टू 738 सेमी कॉलन, फिर मैथ मार्क्स 1 2 इज इक्वल टू 367 सिमिलरली मैथ मार्क्स 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 578 सेमी कॉलन। ठीक है, उसके बाद ये इनको मैंने इंडेक्स असाइन किया है, 0 इंडेक्स पे ये 278 वैल्यू पड़ी हुई है, 1 इंडेक्स पे 738 वैल्यू पड़ी हुई है, और 2 इंडेक्स पे 367 वैल्यू पड़ी हुई है, और थर्ड इंडेक्स पे क्या है 578। अब मैं इनको प्रिंट करवा लेती हूँ सी आउट मैथ मार्क्स 0। उसके बाद सी आउट मैथ मार्क्स 1 एंड सी आउट मैथ मार्क्स 2 सी आउट मैथ मार्क्स और थर्ड इंडेक्स भी क्या है उसको प्रिंट करवा लेंगे। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास पहले जब फर्स्ट मेथड के साथ हमने अरेज को इनिशियलाइज करवाया था तो ये उसकी वैल्यू है, अब जो हमने सेकंड मेथड को यूज़ किया है तो ये उसकी आउटपुट आ गई मेरे पास। सेकंड मेथड में हमने क्या किया है कि इंट मैथ मार्क्स 4 इसको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई, ठीक है, बस उसकी लेंथ लिख दी है। उसके बाद मैंने उसके इंडेक्स को साइन कर दिया वैल्यूज, उसके बाद सी आउट करवा दी। अब हम क्या अरे की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? यस, हम अरेज की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं यस वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अरे, चेंज द वैल्यू ऑफ अरे हाउ, अब हम करके देखते हैं कैसे हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इधर लिखूँ मार्क्स जो अरे का नेम है वही लिखूँगी, इधर मैं मार्क्स 2 इंडेक्स पे या 3 इंडेक्स पे मैं अपनी वैल्यू को चेंज करना चाहती हूँ। पहले मेरे पास इधर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई थी 3 इंडेक्स पे, पहले मेरे पास थी 56, अब मैं इस वैल्यू को चेंज करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे पास जो वैल्यू आए वो
355 आ जाए, ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या वाकई चेंज हो सकती है वैल्यू अरे इसमें। तो ये देखिए आउटपुट में क्या आ जाएगा, 355, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम अरे की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अरे की किसी भी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक और मेथड देखते हैं, बाय यूजिंग फॉर लूप हम अरे को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। यूजिंग फॉर लूप, इसके लिए सबसे पहले मैं फॉर लूप लगाती हूँ, फॉर लूप चलाती हूँ, आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, उसके बाद आई लेस देन 4 सेमीकोलन, उसके बाद आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 0, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और आई लेस देन 4 क्योंकि उसकी लेंथ क्या थी ऊपर हमने ली 4, ठीक है, इसलिए इधर भी हम 4 लेंथ तक ये लूप को चलाएंगे और फिर आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज और सी आउट करवाएंगे कि वैल्यू ऑफ मार्क्स आई इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो मिल जाएगी, आई इज मार्क्स आई एंड सेम ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 और फिर ब्रैकेट क्लोज। ये लूप किस तरह चलाई हमने इसको देखते हैं, पहले इसको रन कर ले। ये इंट भी लिखना चाह रहे और इंट आई इज इक्वल टू कौन सी डाटा टाइप के हम लूप को चला रहे हैं वो भी साथ लिखेंगे, इंटीजर डाटा टाइप के लूप को चला रहे हैं। आप ये देखिए जब मैंने लूप को यूज़ किया फॉर अरे में तो दी वैल्यू ऑफ मार्क्स 0 पे कौन सी वैल्यू मुझे मिली है 23 और वैल्यू ऑफ मार्क्स 1 पे कौन सी वैल्यू 45, मार्क्स 2 पे 56 और मार्क्स 3 पे कौन सी वैल्यू 355। अब ये देखिए ये कैसे इसका ड्राई रन है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 इंडेक्स से लूप को चलना स्टार्ट होगी और आई लेस देन 4 और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 4। आई इज इक्वल टू 0 फिर हम चेक करेंगे 0 लेस देन 4 है, कंडीशन 2 है तो वो सी आउट में आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ मार्क्स आई में क्या है 0, 0 इज मार्क्स आई इंडेक्स में 0 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ये देखें ये है 23, तो ये क्या कर देगा 23 डिस्प्ले कर देगा। कंडीशन 2 है इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट जब हो जाएगा उसके बाद दोबारा वो आई में जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 4 कंडीशन 2 है तो वो सी आउट में आ जाएगा। दी वैल्यू ऑफ मार्क्स इधर क्या आई की वैल्यू 1 इज मार्क्स 1 पे मार्क्स 1 इंडेक्स पे मेरे पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई थी वो है 45 तो वो 45 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ऊपर आ जाएगा फोर लूप में, एक इंक्रीमेंट होगा तो 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 4 कंडीशन 2 है वो सी आउट में आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ मार्क्स 2 इज मार्क्स 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है वो डिस्प्ले कर देगा, मार्क्स 2 में कौन सी वैल्यू 56 वो डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद दोबारा वो फोर लूप में जाएगा तो इंक्रीमेंट होगा, अब क्या हो जाएगी 3 लेस देन 4 कंडीशन 2 है, दी वैल्यू ऑफ मार्क्स 3 इज मार्क्स 3rd इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 89, बट इधर हमने वैल्यू को चेंज किया था मार्क्स 3 पे 355, तो जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी इधर, ठीक है, क्या डिस्प्ले होगा 355। अब दोबारा वो लूप में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके 4 इज लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, वो इग्नोर कर देगा। तो इस तरह बाय यूजिंग फॉर लूप हम अपने अरे को डिस्प्ले करवा सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अभी तक हमने पॉइंटर और अरेज पढ़ा है। तो आपकी एक असाइनमेंट है वो ये है, मैं इधर लिख देती हूँ,
असाइनमेंट। डू द सेम यूजिंग व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। असाइनमेंट ये है कि आपने वाइल और डू वाइल लूप के साथ अरे को क्या हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ये आपने असाइनमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है।